ये धीरे धीरे ना धस रहा है, लोगों के घर टेढ़े हो रहे हैं। ऑफ रोडिंग के दीवाने जो है वो उनको, उनके लिए ये स्वर्ग है। ये वीडियो ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिर्फ ये ही वीडियो नहीं, इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक काफी इंटरेस्टिंग जगह पे हम जा रहे हैं और आप भी चाहेंगे वहां पर जाना, क्योंकि एक तरीके की मैं टूर गाइड टाइप की भी बनाऊंगा। और हम जा कहाँ रहे हैं उसको बताने से पहले इधर देखिए, आपके जो राइट हैंड साइड में है ये है नेपाल, बीच में है जो नदी बह रही है ये है काली नदी, और मैं खड़ा हूँ इंडिया में। मैं हूँ धारचूला से थोड़ा सा आगे, अभी हम जा रहे हैं आदि कैलाश की तरफ। आदि कैलाश भी जाएंगे, ओम पर्वत भी जाएंगे, जा किन में रहे उधर देखिए। तीन गाड़ी है आज हमारे पास, एक है हैरियर, दूसरी स्कॉर्पियो और तीसरी बोलेरो नियो। आइए कौन कौन जा रहे हैं उन सबसे मैं आपको मिलाता हूँ। तो हमारे जो एक सर हैं, काफ़ी प्रिय सर हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं कहीं पर भी जाने के लिए, प्रकाश सर आए हुए हैं आज हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। सर धन्यवाद आपका, एक दिन के नोटिस में हम चल पड़े हैं। और हमारे जो है भविष्य जी, ठीक है, वर्तमान में हमारे साथ हैं और हैरियर लेके चल रहे हैं साथ में, और हमारी टीम से दीपेश को आप मिले होंगे, प्रिंस है साथ में, और हमारे बिश जी दूर खड़े हैं। अभी तक का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हम निकले थे नोएडा से कल, नोएडा से हम धारचूला तक आए थे एक ही दिन में, लगभग 13-14 घंटे का सफ़र रहा होगा, जिसमें हम बीच में रुके। और आदि कैलाश जाने से पहले आपको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत सारी क्या, एक ही लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें कई चीज़ें आपको चाहिए होती है। आधार से शुरू होता है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, कोविड है, ये सब लगते हैं उसमें। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास दो गाड़ियाँ ऐसी है, टू व्हील ड्राइव है, लेकिन एक रियर व्हील है और एक फ्रंट व्हील है, तो ज़्यादा चांसेस जो है फ्रंट व्हील के हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये गाड़ी और ये अवसर आपको अब ना दें खींचने का। कोई बात नहीं, हम खींचने का जुगाड़ भी नहीं लेके आए। डराओ मत यार, मैं तो तुम्हारे सारे चल रहा हूँ। चले फिर। क्या लग रहा है कि हम ही जा रहे हैं, क्योंकि और गाड़ियां तो हमने देखी नहीं है, हमारी तीन गाड़ियां। सही बात है, और पासेस भी आपने देखे हमारे अलावा, दो पास और थे 7 लोगों के अलावा। हाँ। क्योंकि वो अपनी गाड़ी रिकवर करने के लिए मैकेनिक लेके आ रहे हैं हल्द्वानी से। अच्छा अच्छा, वो दो पास उनके थे। इतना रिमोट एरिया है क्या? कहते हैं ये लद्दाख से जो है थोड़ा सा टफ है, अभी तो रोडें काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम अभी धारचूला से लगभग 10 किलोमीटर आगे होंगे, उसके बाद जो है आगे थोड़ा सा रफ टेरेन आएगा। भाई साहब अब गिरेगा मालूम नहीं, कोई अरे ऐसी बात मत बोलो, कुछ क्रैक तो हो रहे हैं उसके ऊपर। वाओ, अब तो ऑलमोस्ट रोड खत्म सी हो गई है, बट भाई साहब जो पंजा दबाने में मजा आ रहा है ना इसमें, ऐसी सड़क में तेज स्पीड में चलाने में जो मजा है, बट पीछे हमारे और भी यात्री हैं, गाड़ियां हैं, तो हम थोड़ा सा रिस्क फ्री चल रहे हैं, बट इंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ड्राइविंग लिटरली। संस्कार वाली फील आ रही है। क्या डेंजरस सीन है देखो, बिल्कुल आज पैसे वसूल हो गए। नेचर सब देता है, गाड़ी गंदी भी करता है तो धुलवा भी देता है। सबका नंबर आएगा।
आए थे वो हमें दिखता हुआ लेकिन कह नहीं सकते नेपाल के पर्वत कुछ भी हो दिखने में तो अच्छा हमारे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ चढ़ते चढ़ते हम लगभग इसके बराबर में ही आ गए अभी और चढ़ना है हमने अरे ये चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पूरी गाड़ी में सामान बजने लग गया बर्तन वर्तन भी बजने लग गए हिल के हम नहीं बज रहे हम भी तो बज रहे बट हम बड़े प्यार से गाड़ी चला रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से नजारे देखते हुए दौड़ेंगे तो क्या हाल होगा रोड यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी इसमें अभी एक दो साल और लगेगा तो ये जो चेक पोस्ट है आगे जाने के लिए यहाँ पर परमिट लगता है वो हमने दिखा दिया है ये नेपाल का पर्वत है और देखो कितना चमक रहा है वो कितना आपको नेपाल में एंट्री के लिए कुछ दिखाना पड़ता नहीं, नहीं, पहले तो ऐसे था कोई नहीं दिक्कत नहीं था सर पहले अच्छा। ये दिक्कत हुआ आपका 2000 से जब राजा खत्म हुआ ना नेपाल में उसके बाद से हुआ दिक्कत उसके बाद तो पहले तो शादियां भी इधर उधर होती अभी भी होता था जी तो अभी भी होता सर बीच में हम अभी रुके हैं यहाँ पर जो है पास चेक होगा और ये जो गांव है ना इसके बारे में बात पता चली ये धीरे धीरे ना धस रहा है लोगों के घर टेढ़े हो रहे हैं और खाली कर रहे हैं लोग वहाँ से खाली कर रहे हैं इनको सितारगंज में जगह मिली सितारगंज तो आप लोगों को काफी लोग जानते होंगे यहाँ पर घूमने के लिए आओ आप लोग भी अच्छा लगेगा आप लोग एडवेंचर भी काफी अच्छा है लद्दाख से काफी अच्छा है और जो है देखने वाली जो ब्यूटी है बहुत खूबसूरत है लद्दाख यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ तो कहते हैं कि 4x4 ही अलाउड है बट हमको तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन इन्होंने दिया नहीं जैसे कि हमारे पास हैरियर भी है बुलेरो भी है वो टू व्हील ड्राइव है तो ऐसा नहीं हुआ कि मना किया ना हमारी गाड़ियों के बारे में किसी ने पूछा एक्चुअली ये है कि ये तब होता है जहाँ पास चेक होंगे ना तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे हमें क्या करते हैं अलाउ करते हैं या नहीं करते ऐसा लग नहीं रहा ये कंडीशन देख के कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी मौसम तो साफ है ना अभी मौसम तो साफ है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए फाइनली हम लोग ओम पर्वत पर पहुंच चुके हैं दिख रहा है आपको ये देख लो ये खड़ी करें ऊपर है ऊपर वो ऐसे दिखा दिखा हो तो ये रहा ओम पर्वत आपको दिख रहा होगा हम ऊपर आ गए हैं व्यू पॉइंट में और यहाँ से नीचे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है काफी ऊंचाई पे हम लोग सांस फूल गया और ये तो ओम पर्वत है ये और ये जो है
इसको पार्वती जी की नाभि बोला जाता है। ये जो गोल गोल सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये शिवलिंग हो गया, ये ओम पर्वत हो गया, हर हर महादेव। तो आप लोगों को मैं ये जगह ना रिकमेंड जरूर करूँगा, आके देखो। यहाँ पर दिल्ली से 2 दिन में आ सकते हैं। हमने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सर में दर्द हो रहा है। रोड में बर्फ जमने लग गई है हल्की हल्की, देखो। हमारी टीम आगे निकल गई और हमें एक काफी अच्छी चीज देखने को मिली। इधर देखिए, ये लगभग फुल मून है। हम यहाँ पर रुक के देख रहे हैं, तारे भी दिख रहे हैं, साफ आसमान और काफी अच्छा व्यू आ रहा है। इधर बर्फ वाले पहाड़, मजा आ गया। मतलब रात के भी यहाँ पर नजारे हैं। तो अभी हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। हम स्टे करेंगे गुंजी में। गुंजी से आगे कल हम जाएंगे अपना आदि कैलाश। वहां से वो लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है और हमें धारचूला से ओम पर्वत तक पहुंचने में लगभग 6.5 या 7.5 घंटे के आसपास लग गया था। और हम काफी रुके भी, रुके इन द सेंस कि जो चेक पोस्ट है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। 5 चेक पोस्ट थे और उसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट लग रहा था और एक में थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा क्योंकि और गाड़ियाँ भी थी। और साथ में क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरी लेते हैं और वेरिफिकेशन भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन यहाँ तक ये भी लेते हैं कि गाड़ी चला कौन रहा। हमारी 3 गाड़ी थी, तीनों गाड़ी के ड्राइवर को उन्होंने अपने चेक पोस्ट के अंदर भी बुलाया था। और हम कल से लगातार चल रहे हैं तो हमारे थोड़े बहुत सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है। हालांकि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सही फील हो रहा है, बट कुछ नहीं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, कोई भी इशू नहीं है। हिलती है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन गाड़ी में जवान व्यक्ति बैठे हैं तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हमारे प्रकाश सर को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कि अभी वो हैरियर में बैठे हैं, हैरियर मोनोकॉक है तो उसमें उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। बुलेरोनियों में भी है मूवमेंट, बट बात यह है कि स्वाद आ गया। किलोमीटर ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप जैसे देख पा रहे होंगे ना, रोड ऐसी ही है सारी की सारी, फिर भी 4-व्हील ड्राइव वाला बटन दबाने का मौका अभी तक नहीं मिला है। आपको आना चाहिए यहाँ पर, काफ़ी अच्छी जगह है और जो एडवेंचर करना चाहता है उनके लिए तो बहुत प्यारी जगह है। गाड़ी आपके पास कोई सी भी हो, बात ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और कोशिश ये करना कि आवाज आ रही है, जब मौसम खराब हो तब मत आना। तो दोस्तों, हमारी जो ओम पर्वत की यात्रा है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने इस होम स्टे पे स्टे किया था और यहाँ पर पर्सन हमसे 1200 रुपये के आसपास लिया, जिसमें खाना भी इंक्लूड था, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। और हम इतने सारे लोग थे, लगभग 8 लोग हैं, लगभग क्या एग्जैक्टली 8 लोग हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर आने के एक्सपेंसेस और क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि पासेस चाहिए। उसके बाद जो है आप अपनी गाड़ी पे डीजल या पेट्रोल फुल करवा के आएँ धारचूला से, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा। हमारे सर जी को थोड़ी सी सिकनेस हुई थी, आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल फिट है, रात में सभी को यहाँ पे महसूस हुआ थोड़ा कंजेशन सा, मेरे को नहीं मालूम आपको कैसा, लेकिन कल हो गया था वाकई 79 मेरा शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल है, तो अब ठीक है। उस सुबह भी मेज़र किया है तो ठीक है, 90+ है तो ये ठीक है। और हमारी किस्मत क्या सही रही कि रात को इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गया, टेम्परेचर नहीं गिरा। और हम सोच रहे थे कि रात में हम गाड़ी को स्टार्ट करें जी, ऐसा हुआ नहीं। और हमने सुबह, हम भूल गए एक्चुअल में, किसी की नींद नहीं खुली रात में, तो सुबह गाड़ी एक सेल्फ में हो गई थी सारी स्टार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत जो है दिक्कत हम, मेरे को थी मन में कि यार फ्रंट व्हील ड्राइव है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही पूरे रास्ते भर। आप आराम से जो है यहाँ पे आ सकते हैं, बस थोड़ा सा 2 चीज़ों का आपको ध्यान देना है, अपने कॉर्नर्स का और अपने चैम्बर का, गाड़ी नीचे ना लगे और आप जो है थोड़ा सा कहीं बाहर को गाड़ी किसी मोड़ पर ना रखें, अपनी साइड पर ही चलें।
साथ में जो है रास्ते में आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, मतलब खाने के लिए या पानी के लिए, उस चीज का ध्यान देना, उस चीज का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है कि अपना जो है धारचूला से ही सारा सामान लेके चलें। धारचूला तक आपको ऑलवेदर रोड पूरी मिलेगी, जहां पर को आपको बिल्कुल चौड़ी रोड मिलेगी, आपको लगेगा काफी अच्छे सफर हमारा जा रहा है, लेकिन उसके बाद ऑफ रोडिंग के दीवाने जो है वो उनको, उनके लिए ये स्वर्ग है। मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं लोगों को देख रहा हूँ सब इतने स्वस्थ हैं ना, और मैं अपनी ज़िंदगी को आकलन कर रहा था, ट्रैवलिंग हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है, मैं अपनी ज़िंदगी का आकलन कर रहा था तो मैं देख रहा था कि यार हमारी ज़िंदगी क्या है, वही चाउमीन बर्गर उन्हीं में जो है रह गई है, और यहाँ के लोग देखिए सुबह सुबह अभी पीछे वहाँ पर वो भी काम कर रहा है इस तरीके से, और उसके बाद समय समय है ना हमारे साथ, जी जी ये है, आपकी एज कितनी है? 52 है देखिए, और ये हमसे जो है सुबह मुझे काफी ऐसे गांव है यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, और BSNL के सिग्नल आ रहे हैं बस इस जगह पे। हाँ। आगे आ रहे थे कि आपके पास आगे भी नहीं थे? अगर यहाँ आना है तो BSNL का सिम ले आना है, अगर आपको कम्युनिकेशन में रहना है बाहरी दुनिया से। जियो का टावर लगने वाला है जैसे उन्होंने बताया था, कुटी गाँव और नाभी और गुंजी गाँव में, 5-6 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। आदि कैलाश और ओम पर्वत आप एक दिन में कम्प्लीट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग दिन चाहिए, क्योंकि ट्रेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, रोड काफी खराब है, थकान भी लग जाती है, और अगर आप डायरेक्टली प्लेन से आ रहे हैं इन माउंटेन्स में, यहाँ पर जो है ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आपको सिकनेस भी हो सकती है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जुड़े रहना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं। बाय बाय।